इस पार्ट में पिछले दो पार्ट्स के आगे की स्टोरी को बताया गया है और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही चार कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उन फ्रेंड्स में वहाँ पर ट्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां पर आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर वो फौरन वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां पर आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़ के मार देता है और ब्रेंट भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी तीन पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। वो टोटल कैदी पांच थे जिनमें एक था जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर दो हफ्ते बाद होना था लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था यानी पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठा कर वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहां पर उन्हें शेरिफ कार और डेप्यूटी लेन मिलते हैं और वहीं हमें थ्री डोज भी दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है और ये वही है जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में एक छोटा बच्चा होता है जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा होता है और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को बिल्कुल सेट करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी पर चल पड़ते। पेपर मिल रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंक्चर कर देता है जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है लेकिन उस वक्त उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर ने सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर जेविस पर अपनी गन तान देता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता एक चाकू कर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियां लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वाल्टर को वहां से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि यहां पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर जेविस उसे उनकी लोकेशन तक लेकर जाने का कहता है। उसका बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और वो उन्हें वहीं ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है जो पीछे से लॉक थी। जेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है और वहां पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो गन वो वाल्टर को दे देता है और जब वो वैन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और जेविस उन्हें दो दो बैग उठाकर वहां से जाने को कहता है और सब लोग दो बैग उठा लेते हैं लेकिन वाल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था जिस पर जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर वाल्टर जेविस को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं होती। लेकिन इस बात के लिए जेविस उसे माफी नहीं देता, वो सीधा उसके सर में गोली मार देता। इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। फिर जेविस सबको आगे बढ़ने को कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पांव एक ट्रैप पर आ जाता है
लेकिन नेड जल्दी से उसे बचा लेता है। और वो ट्रैप वही था जो थ्री डोज ने सेटअप किया था, और वो वहीं ही छुपकर बैठा हुआ था। तभी वही निकलकर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर जेविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे थ्री डोज का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। यानी अब पहले से भी ज्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे जेविस पकड़ लेता है, जिस पर विली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, और वो जेविस को आगे धकेल कर उसे बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है, और जेविस उसे उसकी जान बचाने का बदला ये देता है कि वो उसकी टांगे ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली उनके चिन्ह से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है, और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी फिक्रमंद होता है। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है, और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है, और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने केबिन में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ टूल्स उन्हें मिलते हैं और वो उसकी मदद से अपनी जंजीरों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर थ्री फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी क्रॉफोर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा कर ट्रक को वहां से ले जाता है, और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्रॉफोर्ड को सड़क पर घसीटता है, और वो इतनी शिद्दत से घसीटता है कि जब तक कि वो मर ना जाए। पीछे से मौका देकर फ्लड जेविस पर हमला कर देता है, और तब एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। जेविस फ्लड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी उसे वहां पर वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ उस बस पर पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जेविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है और पैसे को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है, और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, जहाँ से हम वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है, और जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर बुरी तरह राख हो चुका है, और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर रक्त पर बैठा हुआ एक बाला नीचे फेंकता है, जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है, जिससे फौरन जेविस शेरिफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है, और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापिस जाता है, लेकिन फ्लड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, और तभी जेविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है, लेकिन से पहले ही थ्री फिंगर मोलोटोव फेंक कर फ्लड को जला देता है, और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है, और इस मरतबा जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है, और वो एलेक्स को लेकर ही वहाँ से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है, और अभी उसे शूट करने ही वाला होता है, ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है, और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाकर बांध देता है, और वहीं पर हमें जेबिटी लेन की बॉडी भी मिलती है, क्योंकि इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है, और इतने ही देर में जेविस वहां पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है, और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जेविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है, और उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में नहीं आता पहले से भी ज्यादा। लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहां आकर उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी
जिस पर थ्री डोज का सर रखा था। वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके अंदर घुसा कर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर दरख्त पर लगता है और ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से तो उनकी जान बख्शने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है। लेकिन इस मर्तबा नेट उसी का टूल पकड़ के उसमें घुसा देता है और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसे ट्रक पर भी दे मारता है और फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहाँ पर पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा वहाँ पर आता है लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन था, जिस पर बिलीव करके उसने उसे रिहा कर दिया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है। और आज तक ये सवाल बनकर ही रहा और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।